शांतिपूर्वक जो अपना आंदोलन चलिया हुआ था, इनका हर एक राज उजागर होता जा रहा था। जो इन्होंने आज तक किया थे ना, जितने भी इन्होंने गुनाह किए थे, वो सारे के सारे उजागर होते जा रहे थे। उसी से ध्यान हटाने के लिए लखीमपुर घटना का जिक्र नहीं कर रहे भाई, बोल रहे 12 तारीख तक का समय दिया है, लेकिन 12 तारीख तक मंत्री का बेटा फरार, चलते रहेंगे तारीख पे तारीख, तारीख कहाँ लगेगी, सब कुछ इनके हाथ में है, देखते था ना ये सब चलेगा। लेकिन इन सब के बीच में उसके बाद करनाल में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गाड़ी आप लोगों को भड़काने के लिए। लेकिन ये देखो कि इन सब के बीच में टारगेट किसको किया जा रहा है? आपने टारगेट का ध्यान दिया है? टारगेट किया जा रहा है सिखों को, जो सिख भाई हमारे साथ खड़े हैं ना, उनको टारगेट किया जा रहा है। कहीं की भी घटना देख लो आप, लेकिन टारगेट के ऊपर सिख कौम लगाई जा रही है। ये इनकी आज की नहीं है, पुरानी आदत है ये, किसी कौम को, किसी धर्म को, किसी एक जाति को ये लोग टारगेट पे लेते हैं, और इतनी सफाई से टारगेट पे लेते हैं कि हम और आप जब तक समझ पाते हैं तब तक ये अपने टारगेट की तरफ दौड़ जाते हैं। और लोग जो इनके वो आईटी सेल है या जो भी गोबर भगत है, अंध भगत है, वो इतनी सफाई से उसके ऊपर चले जाते हैं, इतनी सफाई से इस चीज का विरोध करवाते हैं कि हम और आप समझ ही नहीं पाते। आप एक चीज का ध्यान देना, 10 महीने से लगातार आंदोलन है धरती पुत्र, जो सिख कौम, जो गुरुद्वारे, जो सेवा कर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही थी, तकलीफ है इनको इस बात की, जो गुरुद्वारे से जो सेवा आ रही थी ना, इनको सबसे बड़ी तकलीफ थी। चाहे लखीमपुर गया था, करनाल को ले लो, जम्मू कश्मीर को ले लो, हर जगह पे, ताकि इस आंदोलन के अंदर बिखराव आ जाए, उसके लिए इन लोगों ने एक कौम को टारगेटिंग के ऊपर लेते हैं ये, और इनकी ये सबसे बड़ी सफाई है। इनको तकलीफ है जो संयुक्त पंजाब पे लेप होता था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, वो आज एक हो चुका है, वो एक हो चुका है, और इनकी ताकत घटती जा रही है और हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। सभी से एक निवेदन जरूर करेंगे भाई, ये समझने की भूल मत कर जाना कि आप अगर सिखों को टारगेट पे लोगे, हरियाणा भी चुप रहेगा, उत्तर प्रदेश भी चुप रहेगा, पूरा हिंदुस्तान बोलेगा, पूरा हिंदुस्तान साथ खड़ा है, और आपकी जो मनसा है ना, उस मनसा को कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ये आप देख लो, 10 महीने से लगातार जो लंगर चले हुए हैं, कभी कोई पैसा या कुछ लिया दान में? नहीं लिया गया था। गुरुद्वारों के अंदर बात हो रही गुरुद्वारों की, उनको जान बूझ कर ये टारगेट पे करके इस आंदोलन में बिखराव लाने के लिए, जब इनकी हर एक साल नाकामयाब होती चली गई, तो इन लोगों ने बड़ी सफाई से तो कहीं थार चढ़ा दी, कहीं ऐसे गाड़ी चढ़ा दी, वहां पे गोलियां चलवा दी। क्यों आते हैं? जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आता है, ये आतंकवादी एक्टिवेट हो जाते हैं, पाकिस्तान एक्टिवेट हो गया, चाइना एक्टिवेट हो गया। कैसे एक्टिवेट हो रहा है? हमारी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी है क्या? क्या वो हमारे खेतों में आके नुकसान कर रहे हैं? क्या वो हमारे घर में घुस रहे हैं? नहीं, राजनीतिक दुश्मनी है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। ये कब आपकी समझ में आएगा? किसान और जवान के नाम पर यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, ये आपकी कब समझ में आएगा? अभी भी समझ में नहीं आया, नहीं आएगा। इनको पता है प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो ये तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश के अंदर, और वह प्रधानमंत्री जिसको बचाने के लिए पूरी गोदी मीडिया लगी हुई है, पूरे अंध भगत लगे हुए हैं, अब वो टारगेट के ऊपर आएगा, टारगेट पर आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उस उत्तर प्रदेश से आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बार बार कहीं पर कुछ कर रहे हैं। ध्यान दिया, कमल गुप्ता जो कराटे चैंपियन बन रहा था, पैर पकड़ के माफी मांग गया। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अरे ये आपकी एकता की जीत है, ये आपकी एकता से घबराते हैं। जब उन्होंने देखा कि आपकी एकता है, आप एक हो गए हो, तो ये अपने प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। बहुत बड़े माफीवीरों की औलाद है ये, आपकी समझवा देना चाहिए, माफीवीर है ये, खाली बयानबाजी करते हैं ये। और आप लोग क्या तैश में आ जाते हो, वहां आएगा उसका प्रोग्राम? नहीं, इतनी जल्दी नहीं करना भाई, इतनी जल्दी आप कभी भी ये बयानबाजी मत करो। ये हर चीज को वापस लेंगे जो बयान किए हैं, लेकिन इनको सबसे बड़ी जो इनकी फांस बनी थी ना, गले की हड्डी बनी थी, जो गले में इनका हड्डी अटक गई थी, वो अटक गई थी लखीमपुर खीरी का केस, वो इनके गले की सबसे बड़ी हड्डी बन गया है, और बनेगा वो केस इनके गले की सबसे बड़ी फांस बनेगा, देख लेना आप लोग। लेकिन सभी साथियों से एक निवेदन किया था, शांति के साथ अपने बॉर्डरों पर अपनी संख्या बढ़ाओ, ये कहीं पर कुछ भी बयानबाजी करते रहे, क्या करना है? शांति के साथ संयुक्त किसान मोर्चा को एक आह्वान देना है, संयुक्त किसान मोर्चा ने, कि भाई गांव में आना इनका बंद कर दो, गांव में आना इनका बंद कर दो,
कहीं पर भी ये प्रोग्राम करते हैं वहां पर काले झंडे लेके पहले ही खड़े हो जाओ, ना तो कोई टकराव होगा ना कुछ होगा, शांतिपूर्वक नहीं आना आपको, नहीं हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अब आपका ध्यान होना चाहिए अपने बॉर्डरों के ऊपर, अपनी संख्या बढ़ाओ। आप एक हम भी कहते हैं आप भी कहते हैं, चीज बार बार कहते हो, कोई बड़ा आह्वान होना चाहिए, कोई बड़ा आह्वान होना चाहिए। वो अगर वो बड़ा आह्वान करना तो आपको अपनी ताकत दिखानी होगी, बॉर्डरों के ऊपर अपनी ताकत मजबूत करो, जो आपके नजदीक बॉर्डर लगते हैं उनके ऊपर जब अपनी ताकत मजबूत करोगे ना, ताकि नेताओं को भी ये पता लग जाए, जो अपने अगुवा है उनको ये पता लगे कि हाँ हमारी ताकत यहाँ पे मजबूत है, और हम अगर कोई आह्वान करते हैं तो ये सरकार हिल जाएगी। वो ताकत आपको मजबूत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप कहीं पर चले गए वहां पर प्रोग्राम रद्द करवाने गए वहां पर कोई विरोध करेंगे, ऐसे विरोध करते रहेंगे तो हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। और ये लोग तो बिल्कुल एक नाक की सीध में चलते हैं, टारगेट पे लेकर चलते हैं, इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, ये तो बहुत बड़े अपने आपको हिंदूवादी ये बोलते हैं ना, इन्होंने टारगेट पे लिया सिखों को, आपकी कब समझ में आएगा, सिखों को टारगेट पे लेकर चल रहे हैं ये। आप इनकी कहीं पर भी पोस्ट देख लो, कुछ भी देख लो, घुमा फिरा के हिंदुओं के ऊपर बात को लेकर टारगेट पे ले रहे हैं सिखों को। जम्मू कश्मीर के अंदर सिखों को मारा गया, कोई हिंदू नहीं बोल रहा, आप क्या समझ रहे हो, ये आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। आप क्या किसान क्या हिंदू नहीं है, क्या हिंदू नहीं है किसान, 2016 में जो दंगों में मारे गए थे वो लड़के हिंदू नहीं थे क्या, आपकी कब समझ में आएगा ये सब। ये आपको घुमा फिरा के आपके दिमाग को इतना माइंड वॉश करते हैं ये लोग कि आपकी समझ में नहीं आता, और टारगेट पर ले लेते हैं। जो संयुक्त पंजाब एक हुआ ना, अब उस संयुक्त पंजाब की ताकत को आप बढ़ा के दिखाओ, उसको बढ़ाओ आप, ये वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। सबको पता है आजादी से पहले पूरे देश की ताकत एक तरफ थी, संयुक्त पंजाब की ताकत एक तरफ थी। आप उस संयुक्त पंजाब की ताकत को एक बार और दिखा दो, अगर वो संयुक्त पंजाब की ताकत इनको दिखाई देगी ना, ज्यादा दिन नहीं रुक सकते ना, नारंगी संतरे माफी वीरों की औलाद है ये, जो भी इन्होंने बयानबाजी की है, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई बयान देकर लठ उठा लो 500-700 नेता बन के आओगे, बोला मैंने गलती से ये बयान दे दिया था, शर्म आनी चाहिए इनको। ये लोग लोगों को भड़काते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं, ये साइड में हो गए और हम लोग तैयार हो जाते हैं। हमारे अगुवाओं को भी चीज का ध्यान देना चाहिए, ये जो बयानबाजी करके लोगों को भड़का रहे हैं ना, आप उनके ऊपर इनकी कोई प्रतिक्रिया मत दो, ये कुछ भी बयानबाजी करते हैं कोई प्रतिक्रिया मत दो। आपको करना क्या है, आप अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपने अपने बॉर्डरों को मजबूत कीजिए, अपने बॉर्डरों को मजबूत कीजिए। अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 तारीख तक का ऐलान किया कि 12 तारीख के बाद हम कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, तो आपको 12 तारीख तक शांति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको शांति दिखानी पड़ेगी। चाहे इसमें मैं हम भी लाइव आके बोलते, कोई भी लाइव आके बोलता ना कि वहां पर फलाने नेता का प्रोग्राम है उसको रद्द करवाएंगे, लठ उठा लो, नहीं करना है ऐसा। आपकी जल्दबाजी, इस जल्दबाजी की वजह से एसकेएम जो एसकेएम को सोचने पर मजबूर करती है कि हम कोई भी बयानबाजी ऐसे जारी कर देते हैं, फिर एसकेएम को भी दोबारा सोचना पड़ता है। आप ऐसी कोई भी बयानबाजी ना करें कि हमने वहां विरोध करना, वहां लठ उठाने, नहीं उठाने, शांतिपूर्वक काले झंडे दिखाने। आप कहीं पर भी खड़े हो गए, अगर आपके रोड से जा रहे हैं, रोड पर खड़े हो, काले झंडे दिखा सकते हो, शांतिपूर्वक विरोध करने पर ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। वैसे तो इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं ये लोग, लोकतंत्र कहीं नहीं बचा देश के अंदर, अब चिल्लाते रहते लोकतंत्र, लोकतंत्र की हत्या बहुत पहले हो चुकी है। अगर ये कोई शांतिपूर्वक विरोध करे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, गोली चला देते हैं, 2016 में भी गोलियों से मारा गया था, अब फिर उसी साल पर आगे फिर गोलियां चलाने लगे ये लोग, कब आपकी समझ में आएगा ये। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो को जितना हो सकता ज्यादा शेयर कर देना, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जितना ज्यादा शेयर करोगे सभी भाइयों तक एक बात पहुंचेगी। आप अपनी ताकत को बॉर्डर के ऊपर बढ़ाइए, और जो ये समझ रहे हैं ना कि हम ऐसे घुमा फिरा के बात करेंगे, सिखों को अलग कर देंगे, हिंदू अलग हो जाएगा, मुस्लिम अलग हो जाएगा, नहीं होगा, एक करके दिखाएंगे आपको। और जिनको ये मिर्ची लगती है ना, घर पर बैठ के बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, फोटो जारी नहीं कर रहे, समय आने पर आपको फोटो भी दिखा दिया जाएगा, हर चीज जारी कर दी जाएगी, हर चीज आपको दिखा दी जाएगी। आप कितने ही भड़काने की कोशिश करो, हमें भड़काओ या किसी को भी भड़काओ, कोई भी नहीं भड़कने वाला। अगर कोई ऐसी बयानबाजी करता है आप उसका खंडन कीजिए कि हम अपना आंदोलन शांतिपूर्वक, ये जिस शांति से 10 महीने से आंदोलन चला था ना, जिस शांति से, उस शांति से घबराई थी सरकार, उसी शांति से घबराई हुई है। अब इनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इनको दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, इनको दिखाई दे रहा मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, ना किसी हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, किसी से प्यार नहीं इनको, ये लोग कुर्सी के कीड़े हैं, सिर्फ इनको कुर्सी से प्यार है। किसान मरो, जवान मरो, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है सिर्फ अपनी कुर्सी बताने से, और ये कुर्सी बताने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं।
अब दोबारा फिर एक्टिव कर देंगे ये, वहां से चाइना से अटैक हो जाएगा, पाकिस्तान से अटैक हो जाएगा, आतंकवादी आ जाएंगे, फिर ये अटैक करेंगे, जातिवाद अटैक करेंगे, धर्म का अटैक करेंगे। हर चीज का मुंह तोड़ जवाब अगर आप दे सकते हो तो सोशल मीडिया के ऊपर दीजिए, एक दूसरे को जागरूक कीजिए फोन करके कि ये लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं आपको, इन टारगेटेड को आपको बचना पड़ेगा, इनकी हर एक चीज एक एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखो, नहीं तो आप इन तीनों चारों कड़ियों को जोड़कर देख लीजिए, पूरा का पूरा टारगेट इन्होंने सिखों को किया हुआ है, सिखों को टारगेट कर रहे हैं ये, सिखों को टारगेट किया जा रहा है ताकि सिख जो हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं वो हमसे अलग हो जाएं, हमारे से अलग करने के लिए इनका टारगेट चला हुआ है, उस टारगेट से आपको बचना है। ये एक एक करके टारगेट के ऊपर लेते हैं, कभी बोला कि गुरु नानक गुरु ने पैसे ले लिए थे वो जोड़ने के लिए थे, हाँ अगर फैसला कोई गलत होता है फिर इसी बात के ऊपर कायम है, अगर हमारा आपको कोई गलती करता है उसकी गलती बताने का काम हम करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल करना सबका अधिकार है, चाहे वो नेता फिर कोई भी हो सवाल किया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से ये अलग करते जा रहे हैं ना एक एक करके तोड़ दो नेताओं का या अगुवाओं का मनोबल तोड़ दो, एक बार राज्यवाल को किया टारगेट, एक बार चडूनी को किया, एक बार आपके सामने अभी टिकैत को टारगेट किया गया, हाँ गलती करेगा सवाल किया था, वो सवाल वही के वही कायम है, अगर कोई ये सोच रहा हो कि सवाल कायम नहीं है, टिकैत साहब ने इतनी जल्दी क्यों की थी वहां पर फैसला करने की, सवाल अपनी जगह पे कायम है, लेकिन जिस हिसाब से टारगेट ले रहे हैं यूपी अलग पंजाब अलग हरियाणा अलग, नहीं इस टारगेट से आपको बचना पड़ेगा, ये टारगेट बचने का आपको, इसको बचने के लिए सभी धरती पुत्र जितने भी हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है, आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, आप लाइव आओ, वीडियो को थोड़ा शेयर करो वीडियो को, या फिर खुद लाइव आके बोलो, फोन करके बोलो, एक दूसरे को संपर्क में रहो और बताओ उनको ये जानबूझ का आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हाँ कोई गलती करता था कोई आगू गलती करे या कोई हमारे बीच से गलती करे उसके ऊपर सवाल करना आपका जायज है, आपका अधिकार है, सवाल कीजिए कि आपने ये गलत किया ये गलत बोला, अगर फिर कोई आगे बोलता है नहीं हम फलाने का विरोध करेंगे लट उठा लो, नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक चला हुआ है तो शांतिपूर्वक ही चलना है, 10 महीने से आप शांतिपूर्वक चले हो ना, थोड़े दिन और रुक जाओ, अभी तो बिल्कुल सामने आ चुका है, अब इनका टारगेट बनाओ, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है टारगेट पर रखो, नहीं वोट देना तो नहीं वोट देना, पंजाब के अंदर चुनाव है, नेताओं को वोट की चोट से मारा जा सकता है, आप अगर समझ रहे हो लाठी डंडे सरकार है इनके पास पूरी पावर है, पूरी पावर है इनके पास, आपके पास क्या पावर है, आपके पास सरकार से भी बड़ी पावर है आपकी वोट की ताकत, आप इनको वोट की ताकत से हरा सकते हो, वोट की पावर आपकी सबसे बड़ी पावर है, जिससे बड़ी बड़ी सरकारें घबराती है ना, वो ताकत आपके हाथ में और वो आपकी वोट, आप वोट की चोट से इनको ऐसा, हाँ बचे कॉरपोरेट घराने जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े जो इनके है ना, आर्थिक ऐसे योग चलाओ आप, इनका आर्थिक ऐसे योग करो, बड़े बड़े जो 25,000 से ऊपर का सामान खरीदना बंद कर दो, ये बड़े उद्योगपति इसीलिए तो वो कर रहे हैं ना, जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां ये चीजें आप खरीदना बंद कर दो, एक दूसरे से कुछ दिन काम चलाओ, आप सिर्फ अगर 2 महीने तक अगर पूरा देश आर्थिक ऐसा योग चला देना, जो ये उद्योगपति बोलते हैं कि हम तो जनता को अपने जूतों के नीचे रखेंगे, वो उद्योगपति आपके पैरों में गिरे हुए मिलेंगे, सिर्फ 2 महीने के अंदर अगर आपको इतना ही समझदारी से काम लेना तो 2 महीने आप आर्थिक ऐसा योग चला दीजिए, बड़ी बड़ी जो इनकी कंपनियां ना बड़े बड़े ये आपके घुटनों आपके पत्थरों के अंदर आ जाएंगे, आपके पैरों में गिर के माफी मांगेंगे कि हमारे से गलती हुई है, हमने ऐसी सरकार का बचाव किया, ये आपके पैरों के नीचे आ जाएंगे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको आपको दिमाग से चलना पड़ेगा, बायकॉट कर दो हर चीज का बायकॉट, लेकिन समझदारी से नेताओं का बायकॉट, वोट की चोट जो आपको मारनी पड़ेगी, अगर ये आपको बांटते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आपको नहीं बटना है, सभी भाई एक दूसरे का सहयोग करें, अगर किसी एक उसको टारगेट किया जा रहा है तो आप एक चीज का ध्यान रखना, उस टारगेट को तोड़ने का काम आप लोगों को करना है, ये जितनी जल्दी है ना हर चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उसका जवाब देने का काम आपको करना, धरती पुत्रों को काम करना है, नहीं हम अलग अलग इनको बता दो, अगर ये सोच रहे हैं कि तुम कोई भी चाल चलोगे और वो चाल कामयाब हो जाएगी, उस चाल को कामयाब नहीं होने देना है, उस चाल का मुंह तोड़ जवाब आप लोगों को देना है।